मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। शाम गुड मॉर्निंग ऋषि, हेलो हेलो अंशुल, गुड मॉर्निंग भाई मनीष, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग भाई सबको, गुड मॉर्निंग। ओके, जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए भाई, और बच्चों को बता दीजिए कि मैम भी लाइव आ चुकी हैं। पैरा जंबल्स करेंगे और बढ़िया पैरा जंबल करेंगे, ठीक है। निशांत आई एम गुड नाउ, आई एम फाइन नाउ एक्चुअली। ओके, जल्दी जल्दी सब लोग लाइव आ जाएंगे भाई। सोनम गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आई होप एवरीबडी इज फिट एंड फाइन, एवरीबडी इज डूइंग वेल। मैं भी ठीक हूँ और शायद आप भी ठीक होंगे। हिना हेलो, हेलो सबको, हेलो सबको, हेलो। सबसे पहली बात तो अगर कोई भी बच्चा है, ठीक है, इस स्पेशल क्लास में जरूर आना है जो 10 बजे होती है, ठीक है। अगर कोई भी प्लस वाला बच्चा है तो 8 बजे वाली क्लास को मिस नहीं करना है, और SBI क्लर्क का टारगेटेड बैच आ रहा है, उसमें जाके क्या कर लो, एनरोल कर लो, आपको मेरी प्रोफाइल पे दिखाई दे जाएगा, ठीक है भाई। जितने ही बच्चे हैं सीधा आज हमारे पैरा जंबल पे आते हैं, ऑलरेडी हमारे 5 मिनट जा चुके हैं, ठीक है। हियर वी गो, आज का पहला पैरा जंबल, जल्दी जल्दी आ जाओ। यस हो बेटा, कितने सेंट आंसर? ओ पहले इसके डायरेक्शन पढ़ो एक बार, यस एक बार इसके डायरेक्शन पढ़ना। इन द क्वेश्चन 6 स्टेटमेंट आर गिवन, 6 गिवन है, ठीक है, आउट ऑफ विच द फर्स्ट स्टेटमेंट इज फिक्स, पहली स्टेटमेंट फिक्स है, ठीक है भाई। बाकी का आपको सब क्या करना है, रीअरेंज करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पहला स्टेटमेंट है ये फिक्स है, इन अ बिड टू इंक्रीज, ठीक है भाई, इन ऑर्डर टू इंक्रीज, इसका मतलब ये है। इन अ बिड टू का मतलब क्या है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज दिस मार्केट शेयर इन इंडिया पेमेंट मार्केट, ये आपका पहला सेंटेंस है। आपको इन बाकी 5 को क्या करना है, रीअरेंज करना है। आपके पास 2 मिनट का समय है, आपका समय शुरू होता है अब। बहुत बढ़िया, मजा आएगा। ए जल्दी जल्दी जाओ, चलो सॉल्व करो। सोनाली हेलो, हेलो हंसा हेलो, हेलो समीर हेलो, हेलो सबको, हेलो सबको, हेलो सॉल्व कर दो, नहीं तो मैंने तुम्हारा हेलो हेलो कर देना है, बता रही हूँ। आपकी वीडियो से सेंटेंस हाइड हो रहा, अरे बाप रे, जो हाइड हो रहा है मैं उसको यहाँ लिखती हूँ, एक मिनट। डिपोजिटेड के बाद हो रहा है ना, बाई के पहले क्या लिखा हुआ है, सिक्योरली एंड इंस्टेंटली, इंस्टेंटली, ठीक है, ये लिखा हुआ है डिपोजिटेड के बाद, बस और कुछ नहीं है। जो मौज लेने आए हैं आज मौज लगने वाली है। बढ़िया सेंटेंस ये अरेंजमेंट है, पढ़ के भी दिख रहा है। दिस इज अबाउट गूगल पे, गूगल पे जिसका आप यूज करते हैं पैसे वगैरह ट्रांसफर करने के लिए, ऐसा कुछ। डन, शैल वी स्टार्ट? ये मैं भी पोल को मिस कर रही हूँ। मैं सीरियसली आई एम मिसिंग पोल। हाँ
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, इसमें वीडियो ऑफ नहीं होगा। अरे मतलब हमें पता चल रहा है कि हाउ एन अकेडमी इज बेटर देन दिस यूट्यूब, सीरियसली अपना प्लस इज बेटर देन दिस, है ना। वहां पे अपना पोल भी होता है, वहां पे इवन अपना वीडियो को ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। यस देयर आर मेनी थिंग्स ना, यस ओके। आज का पहला सेंटेंस ये लो, गिवन दैट फर्स्ट इज द फर्स्ट सेंटेंस हो गया वो तो हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द सेकेंड सेंटेंस। पहला फिक्स है, पहला फिक्स। अब आपको बताना है कि आपका दूसरा सेंटेंस कौन सा होगा, ठीक है। आपका क्यू होगा, आर होगा, एस होगा, टी होगा, पी होगा, ये देख लो भाई, जल्दी 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 जल्दी। शुभम गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। निशान फेवरेट टेक, नॉट एन इश्यू, उससे कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। यस आपको ये बताना है कि पहला सेंटेंस कौन सा है, ठीक है भाई। पहला सेंटेंस, जिसका पहला सेंटेंस गलत हुआ ना, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम कूटेंगे, ठीक है। बिकॉज पहला सेंटेंस इज समथिंग जो गलत नहीं होना चाहिए, पहला सेंटेंस इज समथिंग जो गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी जल्दी, ओके। अच्छा सारे इंटेलिजेंट बच्चे आए हैं, देखते हैं इंटेलिजेंट क्या करते हैं। ओके कुछ ने बोला क्यू पहला सेंटेंस है और कुछ ने बोला एस पहला सेंटेंस है, ओके। क्यू वालों को बहुत बढ़िया भाई, मुबारक। और एस वालों को हम क्या करेंगे, अभी उड़ाएंगे, उनको समझाएंगे, ठीक है। ये देखो भाई, एस वालों तुम्हारा दिमाग कहाँ है, ये क्या लिखा है, यूजिंग दिस ऐप। कौन सा ऐप रे बहुआ, कौन सा ऐप। सो बेसिकली ये जो आपका एस वाला सेंटेंस है, ये आपके कस्टमर को लोन दिलवा रहा है। पहले लोन की बात तो करो, पहले लोन की बात तो करो। और विल सून बी एबल, ए पागल बच्चों, फ्यूचर फ्यूचर, आर यू फॉर रियल, है तुम पागल वागल तो नहीं हो गए हो, है फ्यूचर को तुमने शुरू में ही बिठा दिया। इनफेक्ट शुरू में क्या, तुमने तो मिडल में बिठा दिया भाई। हाउ इज इट पॉसिबल कि तुम फ्यूचर को मिडल में बिठा दो, पॉसिबल नहीं है, वो नहीं हो पाएगा। हाँ एस को पहला सेंटेंस बनाने वालों, मैंने कूट देना तुम्हें पकड़ के। देखो सुनो, पहला सेंटेंस फाइंड आउट करना कितना आसान था, कितना आसान था। ये देखो ना, द ओनली बॉटल नेक, बॉटल नेक का मतलब है कोई परेशानी, ठीक है। विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड इन द हॉकी स्टेंस ऑफ आरबीआई अगेंस्ट ऑल द डिजिटल पेमेंट बैंक, ये कोई पहले सेंटेंस वाली बात नहीं है इसमें। इन द कमिंग वीक, ये भी पहले सेंटेंस वाली बात नहीं है। एट इट्स एनुअल इवेंट गूगल फॉर इंडिया, फॉर टेक जॉइंट अनाउंस्ड एक पार्टनरशिप विद प्राइवेट बैंक, कौन से बैंक, ये बैंक। इसका मतलब भाई, पहले मैं बताऊंगी ना प्राइवेट बैंक, तुमने तो पहले ही बता दिया HDFC, ICICI, फेडरल, कोटक महिंद्रा। पहले बताओ तो सही, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो भाई। पहला सेंटेंस मेरा कौन होगा, कौन होगा रे बापा, पहला सेंटेंस मेरा आर होगा, पहला सेंटेंस, ठीक है। पहले का मतलब इन पांच में से, ठीक है, पूरे सेंटेंस रीअरेंजमेंट का सेकंड, और इन पांच में से पहला कौन होगा, हमारा आर होगा, ठीक है। अब मुझे बताइए थर्ड सेंटेंस कौन होगा, जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड सेंटेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड सेंटेंस, ठीक है। कोई बात नहीं अंशुल भाई, कोई बात नहीं, थर्ड सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस बताओ क्या होगा। थर्ड सेंटेंस देखो कौन जा चुका, और उसके हिसाब से डिसाइड करो जल्दी से थर्ड सेंटेंस कौन होगा। जल्दी, रोज के तुम दो सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी कर लो ना ऐसे प्रैक्टिस करके, तो तुम्हारा बहुत बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगा। डन, ओके। थर्ड सेंटेंस जल्दी बताओ कौन होगा, कौन होगा रे बाबा, कौन होगा, कौन होगा। ओके ओके सोनाली, आर आर कहां से आया, आर तो हो चुका,
आर तो हो चुका, यस आर तो हो चुका है भाई। हाँ आर तो मतलब पहला सेंटेंस था ना हमारा, आर कैसे लगाया तुमने? ओके सब यूनानिमसली आंसर दे रहे हैं, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई, यूनानिमस आंसर आ रहा है। यूनानिमस का मतलब क्या होता है? मतलब एज अ यूनिट, अगर मैं कभी कह दूं कि हम बिल्कुल एक मत काम कर रहे हैं, बिल्कुल सबकी सहमति से काम हो रहा है, तो जो वर्ड होगा दैट इज आपका यूनानिमसली। यूनानिमसली का मतलब होता है एक मत से, ठीक है, सर्वसम्मति से जो आ रहा है, सब बोल रहे हैं कि मैम चुपचाप क्या लगा दो, एस लगा दो। चलो भाई मैंने तुम्हारे मान लिया कि आपका थर्ड सेंटेंस क्या होगा, एस होगा। बहुत बढ़िया भाई, दिस वन इज द थर्ड सेंटेंस, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फिफ्थ, सॉरी फोर्थ सेंटेंस। फोर्थ बताओ, फोर्थ फोर्थ बताओ, फोर्थ बताओ जल्दी से। अच्छा वहां पे क्यू, एक मिनट, नहीं आर था, पागल हूँ। हाँ, अब मुझे बताओ थर्ड सेंटेंस, थर्ड, ठीक है, थर्ड, इस कितना कंफ्यूजन है इसमें, थर्ड नहीं फोर्थ, फोर्थ फोर्थ, ठीक है, एक बार मैं इसे इरेज करती हूँ, बहुत सारा यहाँ पे लिखा जा चुका है। हाँ जल्दी अंशुल, नहीं भाई नहीं भाई, तुम कंफ्यूज्ड हो और तुम मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हो। क्यों पहला सेंटेंस नहीं था, क्यों पहला सेंटेंस नहीं था, नहीं था, नहीं था। थर्ड सेंटेंस, ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। ओके थर्ड सेंटेंस सब लोग कौन सा बता रहे हैं? क्यू बता रहे हैं, ठीक है ओके बहुत बढ़िया, इन तीन में से, इन पांच में से, सॉरी थर्ड, ठीक है ओके। नेक्स्ट बताओ नेक्स्ट, अब मैं तुमसे पूरा रीअरेंजमेंट ही जानना चाहती हूँ, बाकी हमें कोई बात ही नहीं करनी है, पूरा रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट नेक्स्ट बताओ जल्दी से, नेक्स्ट क्या होगा? क्यू के बाद कौन आएगा? मेरा आर आ चुका, एस आ चुका, क्यू आ चुका तुम्हारे हिसाब से, अब कौन आएगा, अब कौन आएगा? निशांत ने जवाब दिया, बहुत बढ़िया भाई, बाकी लोग जवाब दो जल्दी से, जो बारात में आए हैं नाचना बंद करो, जवाब दो। ओके टी, बहुत बढ़िया। अब लास्ट मुझे नहीं लगता है कि मुझे तुमसे पूछने की जरूरत है ना, लास्ट तो अपने आप ही अंडरस्टूड हो गया कि हाँ मैम यही होगा। अब सुनो ध्यान से, अगर तुम्हारी इस सेंटेंस रीअरेंजमेंट का पूरा रीअरेंजमेंट मैं तुमसे पूछूं, तो जल्दी से एक बार जवाब दे दो, तब तक मैं लिखना शुरू करती हूँ। पहला सेंटेंस क्या होगा भाई? आर होगा, ठीक है, उसके बाद कौन होगा भाई हमारा? एस होगा, उसके बाद हमारा कौन होगा? क्यू होगा, देन टी होगा, देन कौन होगा? पी होगा। दिस इज द करेक्ट रीअरेंजमेंट, जिसका ये है सही है, जिसका ये नहीं है उसका गलत है, बिल्कुल बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बिल्कुल गलत है। विश्वरूप साहा भाई मैंने लिख दिया था जो भी छिप रहा था, ठीक है। हाँ यहाँ पे सिर्फ दो ही शब्द लिखे हुए हैं, सिक्योरली एंड इंस्टेंटली, ठीक है, दो ही शब्द लिखे हैं, सिक्योरली, मनी इज डिपोजिटेड, हाँ सिक्योरली एंड इंस्टेंटली बाय देयर बैंक, बस यही लिखा हुआ है, ठीक है ओके। जिस जिसका सही है एक बार जल्दी से बताओ, जल्दी से रिप्लाई करो, मी 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 ऐसे वाला, जिस जिसका सही है जल्दी से, जिस जिसका सही है जल्दी बताओ कि मैम मेरा मेरा सही है। ओके ऋषि तुम्हारा सही है, बहुत बढ़िया। अंशुल तुमने गलत किया था, अब तुम यस बोल रहे हो, दिस इज चीटिंग, गलत बात है अमित, ये अंशुल ऐसे ऐसे नहीं करना होता, हाँ ऐसे मत किया करो। ओके निशांत का सही है, ओके और किसका सही है भाई? पूरा का पूरा जल्दी बताओ, किस किस का सही है? ओके ओके हंसा का सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलें आगे, ठीक है, सेकंड सेंटेंस।
इसमें भी आपका फर्स्ट इज गिवन, ठीक है, ये लो। अमित का भी सही है, बहुत बढ़िया। अब इसको सॉल्व करो। इसे सॉल्व करो, फिर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी है, वो बताती हूँ आपको। इसमें ज्यादा हाइड हो रहा है। ओके, लेट मी चेक। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ओके, टी वाला स्टेटमेंट हाइड हो रहा है ना, टी वाला। ठीक है, ठीक, ठीक है, मैं समझ गई। टी वाला हाइड हो रहा है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप टू रीअश्योर इंडियन इंश्योरर्स इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, एक बार मुझे बताओ, ठीक है? नहीं, ओबीएस में ऐसे रनिंग में नहीं हो पाएगा, रनिंग में नहीं हो पाएगा ऋषि, ठीक है? मुझे ये बताओ, इसे अभी यही सॉल्व कराऊं या फिर इसको बंद करें? सीधा मुझे कट टू कट जवाब दो, ठीक है? क्योंकि इस पे कोई शापे नहीं चाहिए हमें। हाँ, इसको मैं आपको यहाँ पे लिख दूं जो छिप रहा है, या फिर इसको हम बाद में, मैं इसको करवा लूं इसके हिसाब से एडजस्ट और फिर करें। बताओ बताओ, जल्दी से कमेंट करके बता दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। करते हैं, ओके, ठीक है। बाकी लोग भी बता दो भाई एक बार। मनीष कुमार, रोल नंबर 40F सेक्शन। हाय हाय, तुमने ये कब से लिखा हुआ है मनीष कुमार भाई? रोल नंबर 40 सेक्शन F। ओके, कंटिन्यू। अरे मैं कैसे हाइड करूं खुद को? दिस इज यूट्यूब, दिस इज यूट्यूब। हाँ, यूट्यूब है बबुआ, ठीक है? प्लस नहीं है, प्लस होता तो मैं खुद को हाइड कर देती। हाँ, ओके, सुनो मेरी बात, लेट्स एंड द क्लास, ठीक है? हाँ, क्योंकि अब दिखाई नहीं दे रहा है, तुमने बेवजह के ड्रामे करने, मैं जानती हूँ तुम, ठीक है? मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, सीरियसली, जितने अच्छे से मैं तुम्हें जानती हूँ ना, कोई नहीं जानता है। हाँ, ठीक है, तुमने ड्रामे करने हैं, तुम्हारा गलत होगा, तुम ये बोलोगे मैम हमें ये दिखाई नहीं दिया, ये दिखाई नहीं दिया, ये दिखाई नहीं दिया, ठीक है? तो आई एम नॉट रेडी फॉर एनी ड्रामा, यू नो आई हेट योर ड्रामा, ठीक है? और वो भी पैरा जंबल्स की केस में। तो एक काम करते हैं, ठीक है, अभी इसको यहीं पे क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, ठीक है? अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन है छोटे से, वो सुनो। अभी हमने एक ही किया है, एक ही हमने सेंटेंस अरेंजमेंट किया। अरे चलो, मेरी बात सुनो एक बार, एक बार मेरी बात सुनो, ठीक है? हाँ, कुछ बात करनी है। ये है ना, अभी निशांत ने बोला, इनफेक्ट कई बच्चे हैं, ठीक है, इनफेक्ट मैं भी हूँ, पैरा जिम्बल्स में पोल के बिना मजा नहीं आता, ठीक है? स्ट्रांगली एग्री, ठीक है? पोल होना मतलब हमारा एक तरह से ना मैंडेट सी बन गई है हमारे लिए। हाँ, वो मैंडेट, मैंडेटरी सा हो गया, ऑब्लिगेटरी सा हो गया है, ठीक है? हाँ, तो अभी होगा क्या ना, सुनना ध्यान से, आज सैटरडे है, ठीक है? हाँ, अब संडे को यूट्यूब पे आपकी कोई क्लास नहीं होगी, ठीक है? कल यूट्यूब पे कोई क्लास नहीं होगी आपकी, ठीक है? हम प्लस में शायद कल नहीं मिलेंगे, कल हम स्पेशल में मिलेंगे, ठीक है? हाँ, तो आपके पैरा जंबल के यहाँ पे 5 सेक्शन हो गए, 5 सेशन हो गए हैं हमारे, ठीक है? अब हम कोशिश करेंगे कि जो पैरा जंबल वाली क्लास है ना, ये हम प्लस पे लें। जो पैरा जंबल वाली क्लास है ये आपने, सॉरी कहाँ कह रही हूँ मैं, जो अपना अनअकैडमी ऐप है वहां पे ले। और यहाँ पे मैं एक नया कुछ शुरू करने वाली हूँ, वोकैब सीरीज, ठीक है? वोकैब सीरीज जो कि टारगेट करेगी हमारे किसको भाई, SBI क्लब को, ठीक है? ये मैं स्टार्ट करने वाली, ठीक है? यस, वोकैब सीरीज पैरा जंबल्स के लिए आई हैव अंडरस्टूड, और स्पेशली इन वाले सेंटेंसेस में तो पोल इज जरूरी, ठीक है? नहीं तो तुम पूरा रायता मचा देते हो, वो मैंने देख लिया है, ठीक है? हाँ, तो वी विल टेक दिस पैरा जंबल्स वाले जो सेशन है, इनको कहाँ पे, अपने ऐप पे,
और यहाँ पे वोकैब सीरीज हम स्टार्ट करेंगे मंडे ऑनवर्ड्स। सो मंडे से सब लाइव आ जाइएगा एट द सेम टाइम। हम यहाँ पे सीधा सीधा क्या करेंगे भाई, हम SBI क्लर्क से जितना भी वोकैबलरी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो टारगेटेड है, उस सबको यहाँ पे डील करेंगे। ठीक है, ओके। शानू जी कुछ कह रही हैं, एक मिनट। पैराजंबल सही नहीं हो पाते, हाय राम। मेरा मतलब जब ऐसा कोई बच्चा बोलता है ना, तो मेरे दिल में दर्द होने लगता है। पैराजंबल सही नहीं हो पाते भाई, मैंने बच्चों का फेवरेट टॉपिक बनवा दिया पैराजंबल। मेरा फेवरेट था, उनका फेवरेट बन गया है बच्चों का। ठीक है, हाँ शानू थोड़ा सा एक काम करो, सुनो मेरी बात सुनो। ठीक है, बाकी बच्चे ध्यान से सुनना भाई, ठीक है, जो भी नए बच्चे हैं सुनो। शानू आप है ना, मेरी प्रोफाइल पे जाना, प्रोफाइल पता है आपको कैसे ढूंढी जाती है मैडम की, ठीक है। हाँ, पूजा राणा की प्रोफाइल पे जाना, और वहां पे है ना सेंटेंस रीअरेंजमेंट का एक बैच पड़ा है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। एक काम करना, इस बैच को एक बार पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, ठीक है, एक बार इसे अच्छे से इसका स्टडी कर लो। स्टडी का मतलब मैं एक तरह से आपको ये कह रही हूँ, इसे एनालाइज कर लो, ठीक है, एक बार पढ़ लो। अगर तुम्हें सेंटेंस रीअरेंजमेंट से मोहब्बत ना हो गई ना, तो मुझे बताना, ठीक है भाई। एक बार पढ़ना प्लीज, ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट आपका प्लस पे पड़ा हुआ है, एक बार जाके इसे देख लेना। आपको बहुत बहुत क्या होने वाला है, फायदा होने वाला है, बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। यस, और शानू मुझे लगता है कि तुम प्लस पे हो, हाँ मुझे जहां तक याद है तुम प्लस पे हो, तो एक बार प्लस पे जाके देख लेना, ठीक है। अरे 2 दिन से पता नहीं एक्चुअली क्या इश्यू हो रहा है निशांत, हाँ अभी 2 दिन से, बीच में आई वॉज परफेक्टली फाइन, अभी 2 दिन से हम लाइक की थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। हाँ मतलब आज सुबह मैं मतलब ऐसी हालत थी कि मैं आज सुबह 2 टैबलेट लेके सोई हूँ। हाँ आज मतलब काफी पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, ऐसे क्यों खराब हुई, एकदम से होनी नहीं चाहिए थी, दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। परसों भी खराब हो गई थी, परसों भी यही हालत थी, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, अभी हम 8 बजे वाली क्लास में मिलते हैं, अभी हम फाइन, ठीक है। 2 टैबलेट खाई थी तो ऑफकोर्स आराम तो होना ही था, ठीक है। तो अभी हम 8 बजे मिलेंगे, और 8 PM की क्लास पे हम क्या करेंगे भाई, कंजंक्शंस करेंगे, ठीक है। हाँ कंजंक्शंस करेंगे, ठीक है। हाँ यस 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 निशांत, यू आर राइट, यू आर राइट, ठीक है। ये मतलब है कुछ ना कुछ, कभी कभी मेरे को दिक्कत हो जाती है, मुझे भी फील होता है कभी कभी। ओके, वोकैब आफ्टर दैट फ्रेजल वर्ब, ठीक है, डन, ठीक है, डन डन डन, ठीक है, हाँ डन। ओके अब एक काम करते हैं, क्लास को एंड करते हैं। आज तुमने एक ही सेंटेंस अरेंजमेंट किया, चलो मिलते हैं 8 बजे, ठीक है। हाँ टिल देन बी सेफ, टेक रेस्ट एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली टू, ठीक है। मंडे को मिलेंगे अब हम वोकैब के साथ, ठीक है, मंडे को वोकैब के साथ, ठीक है भाई। यस, और यूट्यूब पे, और 8 PM अभी हम कहाँ पे मिलने वाले हैं, प्लस में मिलने वाले हैं, ठीक है। यस आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, डेफिनेटली आई विल, ठीक है। चलिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, एंड सी यू ऑल एट 8 PM। टिल देन थोड़ा सा कुछ खा पी लो, थोड़ी सी ऐश कर लो, ठीक है। चलिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।